नेपाल की करेंसी ने कई बार दुनिया को आश्चर्यचकित किया है और उसके बीच कई बार अपनी सुंदरता से लुभाया है, तो कई बार कुछ अलग इसके ऊपर नोटिस करके उसने दिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर यहाँ पे नेपाल की एक नई करेंसी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। कुछ नए सिक्के जो कि कुछ नई चीज़ें बताते हुए नज़र आते हैं नेपाल के बारे में। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे इसके बारे में कि अब की बार किस किस के नेपाली यहाँ पे रुपए हैं जो कि अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, इसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि नेपाल ने पिछले दिनों यहाँ पे नई करेंसीज के अंदर नए 100 रुपए के नोट लाने की बात करी थी, उसके ऊपर भी कई दिन तक सवाल उठे थे और उसके अंदर भी हमने कई चीज़ें नई देखी थी जिसमें नया नक्शे की बात करी जा रही थी। उससे पहले भी नेपाली करेंसी की बहुत बार जिक्र हुई है और ये भी कहा गया है कि किस तरह से ये करेंसी सबसे सुंदरतम करेंसीज में एक आती है। फिलहाल यहाँ पे संविधान दिवस बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था नेपाल का, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज नेपाल कभी भी आज़ाद तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आज़ाद वो देश होता है जो कि किसी का प्रातंत्र हो, डिपेंडेंट हो। तो नेपाल कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं तो वो आज़ाद कैसे होगा, यानी कि हमेशा से आज़ाद ही रहा है, तो वो दिवस तो बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि किंगडम है उसे हटा दिया गया और उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाया गया, प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया। वो एक अलग बात है कि अभी लोग अपने प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं बता रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने की बातें नहीं की जा रही है, परंतु ये दिवस नेपाल के लिए स्पेशल है इसके बावजूद भी। और इसी स्पेशल दिवस को और ज़्यादा स्पेशल बनाने का कार्य किया गया, जो नेपाली रुपीज़ हैं उनको सिक्कों में तब्दील किया गया, एक 2000 का सिक्का लॉन्च किया गया, इसके साथ साथ एक 100 रुपये का सिक्का यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो वो यहाँ पे संविधान दिवस के अवसर पर जारी किए गए, इसलिए इन सिक्कों के ऊपर कहीं ना कहीं जो मढ़त थी वो उस बुक की थी जो कि संविधान की बुक है, जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, जिसके अंदर कानून कायदे हैं कि किस तरह से हमारा संविधान चलेगा, किन रूल्स को फॉलो करेगा, किस तरह से हमारे देश की तरक्की हो सकती है, वो सारी चीज़ें, किस तरह से एक यहाँ पे व्यवस्था करी जाएगी जिससे कि डिसिप्लिन रह सके, ये सारी बातें। और उस बुक के आधार पर यहाँ पे ये दो तरह के सिक्के लॉन्च किए गए, बहुत ही रेयर सिक्के हैं ये, ऐसा कह सकते हैं बहुत ही अद्भुत सिक्के हम कह सकते हैं इन्हें। इन सिक्कों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप फोटो में ज़रूर देख सकते हैं और आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, तक कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।